नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। मंदसौर जिले के गांव कचनारा में बाबा रामदेव मंदिर परिसर में सूर्यवंशी मेघवाल समाज धर्मशाला पर मेघवाल समाज का परिचय सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मेघवाल समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मीटिंग से पूर्व कोरोना वायरस का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर किया और मास्क वितरण किया गया। मेघवालय समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जहां मंदसौर में मेघवाल समाज बच्चों के लिए छात्रावास बनाने का बड़ा संकल्प लिया गया है। दरअसल मेघवाल समाज SC वर्ग से आता है, जो बहुत ही गरीब हालातों से जूझ रहा है। इस समस्या से समाधान के लिए मेघवाल समाज के सक्षम लोगों से भी सहयोग लिया गया है। 300 सदस्यों के माध्यम से हम जिला स्तरीय छात्रावास निर्माण करना चाह रहे हैं। उसमें हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो शिक्षा अध्ययन करेंगे और दूर दूर से, जैसे बानपुरा, गरोट, सामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ, दलोदा, मल्लारगढ़ और मंदसौर और अन्य जिले के जो बच्चे शिक्षा अर्जित करने आएंगे, वो सारे बच्चों को हम उसमें अवसर देना चाहते हैं। इसके साथ साथ आज का जो कार्यक्रम है, हमारा जो मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया है, सदस्यों का मिलन समारोह कार्यक्रम है, इसमें इसके साथ साथ हमने युवक युक्ति परिचय सम्मेलन जिला स्तरीय जो टीम है उसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ये युवक युक्ति परिचय सम्मेलन जो है ये राष्ट्रीय स्तर का है, कहीं कहीं भी बच्चा इसमें अपना बायोडाटा दे सकता है। छात्रावास के अभी मंदसौर जिला इकाई के अंदर एक साहसिक कदम उठाते हुए मंदसौर जिले में छात्रावास निर्णय उठाया है, जिसमें 300 सदस्य बना लिए गए हैं। 300 सदस्य और बना के आज बहुत ही अहम भूमिका रही, कई लोगों ने इसमें सहयोग प्रदान किया। समाज इसमें पूर्ण रूप से संकल्पित है कि ये जिले में एक अच्छी तरह से छात्रावास का निर्माण हो और एक भव्य हो, जिसमें से बच्चे आगे जाके IAS IPS में समाज के बच्चे आगे आए और देश में अपना नाम रोशन करें। जनपद रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत भवर की गांव में कुछ दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की, उसके बाद धारदार हथियारों से उस पर हमला बोल दिया, जिसके चलते महिला की उंगलियां काटी गई और इसी बीच महिला बुरी तरह घायल हो गई। पीड़ित महिला के परिजन उसे इलाज के लिए बिलासपुर ले गए, जिसके चलते डॉक्टर ने महिला की हालत गंभीर बताकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मेरा नाम सर पवन है। पवन है तो क्या ये विवाद क्या है, क्या किस बात पर झगड़ा हुआ है इनका? इनका भाई मेल के पीछे विवाद है, इनका इनके भगवान स्वरूप के कल भगवान स्वरूप खिलाफ इनने कल चौकी में तहरीर भी दे दी थी, इसने हमारी मेड़ काटी है, जबकि मेड़ कोई नहीं काटी है इनकी। अच्छा, ये तो इनकी प्लानिंग, मतलब झूठा मुकदमा। हाँ, झूठा मुकदमा करवा रहे हैं। प्लान से लड़ाई करी है इन्होंने, इनके सबके पास डंडे तैयार थे, सब धारदार मौजूद थे हथियार। अच्छा, इसने मतलब डंडे इनके पास पहले से मौजूद थे, वो निहत्ता था। अच्छा, पहले उसे घर के बाहर मारा है। अच्छा, फिर उसके बाद उसे घर के अंदर मारा है। तो जब आपने देखा ये झगड़ा उस टाइम चल रहा था, ये चल रहा था इस भगवान स्वरूप के गेट पर। अच्छा, तो उसके घर पर ही आ गए ये। आपको जानकारी है किस बात पर झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ ये? ये तो ये जानकारी हमें नहीं है, हमने हमें पता लगी, हम तो जब आए तो झगड़ा हो रहा था। अच्छा, झगड़ा। मध्य प्रदेश के मोरवा पुलिस पर उस वक्त हमला हो गया जब एक आरोपी को पकड़ने वाराणसी पहुंची। मोरवा पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को वाराणसी पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रमेश पर मोरवा थाने में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला था। फिलहाल शिवपुरी पुलिस ने हमला करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज MP से एक टीम आई थी 420 ही में, एक अभियुक्त रमेश सिंह को यहाँ से पकड़ने, नॉन रिलेवल वारंटी था वो। जब वो पुलिस उस अभियुक्त को पकड़ के वापस ले जा रही थी, तब थाने से करीब 150 मीटर फलहारी बाबा मंदिर है वहाँ पे, वहीं उसके रमेश सिंह जो अभियुक्त था उसके परिजनों ने आके उस कार पे जो MP टीम थी उस पर अटैक किया, और जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से चोटिल भी हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर भी चोटिल हुआ है, और उनकी तहरीर पर उन जो मौके से 5 लोग मिले उन्हें अरेस्ट किया गया है। वाराणसी की पुलिस की मदद से इन लोगों ने आरोपी को उसके निवास से अपने अभिरक्षा में लिया। थाना सिंह नगर IT पार्टी, वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत आरोपी को लेकर जब यहाँ के लिए निकले थे सिंगरौली के लिए, तो लगभग 150 मीटर दूर थाने से उनको 5-6 लोगों ने रोक कर उनके साथ में चुमा जाए। शाजापुर नेशनल हाईवे 3 पर वार्ड नंबर 27 के रहवासियों ने रोड जाम कर किया धरना प्रदर्शन। करीब 15 मिनट तक किया यह प्रदर्शन।
आपको बता दें कि वार्ड वासियों को इस समय पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रहवासियों को कई मील दूर से पानी लाना पड़ता है। वार्ड वासी कई बार नगर पालिका CMO एवं वार्ड पार्षद को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, जन सुनवाई में आवेदन भी दे दिया है, लेकिन अभी तक वार्ड वासियों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वार्ड वासियों की समस्या खत्म कर दी जाएगी। नगर पालिका पानी दो, नगर पालिका पानी दो, नगर पालिका पानी दो, नगर पालिका पानी दो। काम किया गया था पहले? देखिए, हम एक साल से प्रयास कर रहे हैं कि हमें पानी मिले, है ना। कलेक्टर साहब को वहाँ भी हमने आवेदन दिया है, CMO साहब को दिया है, यहाँ के जो पार्षद को रोज कह रहे हैं कि साहब हमें पानी नहीं मिल रहा है पीने का, और दो दो बार इनने आके देखा है, मोटर लगाने के बाद भी सांस निकलता है, पानी नहीं आता है उसमें। तो मैं इस बात को लेकर के आज हमारे पूरे वार्ड के जो है लाल घंटी हाउसिंग बोर्ड के, जिनको पानी नहीं मिल रहा है 27 वार्ड को, वो सब लोग आकर के यहाँ रोड पर बैठे के कलेक्टर साहब से हमारी समस्या हम सुनाएंगे। तो श्रीमान CMO साहब आया, उनने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारी आज लाइन बढ़िया हो जाएगा और बढ़िया पानी मिलेगा, हम या तो लाइन बदल देंगे या फिर तुम्हें पेशर से पानी देंगे। वार्ड नंबर 29 में सर काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है रहवासियों के, इसके लिए आज रोड जाम किया था। हाउसिंग बोर्ड का वार्ड नंबर 27 है। हाउसिंग बोर्ड कानूनी क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर अभी हमने एक एरिया की लाइन बदली है और प्रेशर की अभी भी समस्या है, हम उसको प्रेशर को आज दिखवा रहे हैं, तो लाइन बदलने की आवश्यकता होगी तो लाइन में बदलेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार न्यूज़।